गाइस वी आर एट 13,479 फीट हाइट यार। ये जो ग्रीनरी आप देख रहे हो ना वो है पाकिस्तान। और ये रियल रियल हाँ, ये जो रियल है गाइस, ये इसका जो ओल्ड है ये रियल है। अभी क्या क्या करना है, क्या करना है बताओ, क्या करना है क्या करना है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारगिल सबको, गुड मॉर्निंग। काफी लेट से मैं उठा हूँ आज, मैं मास्क निकाल लेता हूँ, कोई है नहीं यहाँ पर। वेल सब मास्क लगा रहे थे तो मास्क लगाना पड़ता है और ज़रूरी भी है। ये कारगिल का सिटी तो नहीं है, कारगिल से थोड़ा सा पीछे है, अपना होटल इस तरफ है, वो रहा अपना होटल। यहाँ पर आने का एक ही रीज़न था क्योंकि कल रात को यहाँ पर बड़ी ज़ोर का आवाज़ हो रहा था और ये है नदी, सुरू नदी, ये देख लो आप। विक्रम का जो बाइक है वो पंचर हो गया है, अब देखते हैं उसका क्या जुगाड़ करते हैं। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो बोल रहे हैं कि संडे को कारगिल ऑलमोस्ट बंद रहता है। अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे। कहाँ? पंचर शॉप। तो ये रहा सिल्क रूट इन। कारगिल से निकलने से पहले चेन एक बार सोच रहा हूँ कि मैं ऑयलिंग और ल्यूब करा दूँ ताकि गाड़ी स्मूथ रहे। वैसे गाड़ी अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो हमने चाय ऑर्डर किया था, चाय के साथ ब्रेड टोस्ट। मैं अपना GoPro ठीक कर रहा है, GoPro बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, ऑन ही नहीं हो रहा है। सेम प्रॉब्लम है मेरे साथ भी। हाँ, अरे GoPro का बैटरी भी पता नहीं क्या हो गया, शायद गर्मी से क्या है वो थोड़ा सा वो फूल गया इसका। बाकी चाय आ गया है तो चाय का पहला शिप तो लेना बनता है। सो दिस इज चेन क्लीनर एंड दिस इज चेन ल्यूब। अभी हम आए हैं पंचर शॉप में और विक्रम पीछे है, अपना जो टायर का जो क्या इश्यूज है वो चेक करवा रहा है। मेरा डाउट है कि जो रिम है ना उसमें भी कुछ इश्यूज होगा, इसीलिए बार बार पंचर हो रहा है। दिस इज द थर्ड टाइम ये पंचर हो गया है। हम नहीं चाहते कि यू नो ये पंचर बार बार हो, दिस विल ट्रबल आवर जर्नी। ये बोल रहा है कहाँ से? बोल रहा असम से, बोल रहा ये लद्दाख के, ये बोल रहा। तो जो रिम के अंदर इस तरफ एक ट्यूब लगा रहता है, वो ट्यूब खराब हो गया था तो ट्यूब को चेंज करके नया लगा रहे हैं। मैं सोच रहा था कि मैं अपना बाइक को यहाँ पर वॉश कराऊँ या नहीं, बट ऐसे भी मुझे ले जाना है और ले जाते वक्त काफ़ी डस्ट होने वाला है बाइक, तो मैं सोच रहा हूँ कि ले में ही करा लूँ क्योंकि वहाँ पर एक और दिन हमें रेस्ट भी तो करना है। चेन तो ठीक है बोल रहे हैं और ऑयलिंग का भी ज़रूरत नहीं है, बस प्रेशर चेक कर लेंगे। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू कारगिल नाउ। विक्रम का बाइक बन गया है, आई होप कि यार अभी और कुछ ट्रबल ना हो। वी आर पैकिंग आवर बैग्स और गियर्स लगाते हैं और निकलते हैं, ठीक है? आज ले जाना है, ले जाना ही है आज। सो वी आर लीविंग कारगिल। सो मैंने यहाँ पर अपना स्टीकर डाला हुआ है विच इज़ नॉट विजिबल बट सी, ठीक है? देखते हो तो सब्सक्राइब कर देना। गर्मी काफ़ी लग रहा है यार, धूप तो है, रात को बहुत ठंड हुआ था, सवेरे भी ठंड लगा था, अभी थोड़ा गर्मी लग रहा है। तो अभी प्लान ये है कि कारगिल में आए हैं और LOC नहीं जाएंगे तो ऐसा हो भी नहीं सकता, तो हमारे पास टाइम है और LOC यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर दूरी है। सो आई होप कि इतना टाइम नहीं लगे, जल्दी से जाकर वापस आ जाएंगे एंड देन विल गो टू ले इज अराउंड 230 किलोमीटर फ्रॉम हियर। लेट्स मूव टू LOC देन। ओके, होम माने पे में, होम माने पे में। आई थिंक वी हैव टू गो राइट फ्रॉम हियर LOC के लिए। सर LOC जी, ले जंगसा कारगिल टाउन स्ट्रेट, दिस इज बाईपास एंड तकलीक। यहाँ से ले ना ले, और ये आयरन ब्रिज जिसके नीचे से सारा रिवर बह रहा है। और लुक एट द व्यू मैन, दिस इज वेयर कैन यू सी सच व्यूज इन इंडिया अदर देन लद्दाख। और ये छोटा सा गांव की तरह है ये, आई गेस छोटा छोटा घर है यहाँ पर पहाड़ों पे। ओ ओ ओ ओ शिट 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 शिट। दे आस्किंग फॉर लिफ्ट,
I can't make them sit on my bike because there is no place. Delhi से अभी तक हम 1260 किलोमीटर रन कर चुके हैं. और you know how much I have covered from Bangalore till now? It is 3561 किलोमीटर. और राइड अभी तक खत्म नहीं हुई है, अभी भी बहुत लंबी राइड बाकी है. Well, LOC is line of control which is between India and Pakistan. When there was this war between India and Pakistan, I think both the government did the ceasefire and that's how this line of control was formed, I guess. यहाँ से जो पाकिस्तान है बहुत क्लोज है, it's just like some 10 kilometers. And if you go to LOC, we can see the Pakistan flag also from this side of India. So let's go there. Welcome to Wonderman. But this looks very old. Could be a very old city. I don't think people are living here now. वहाँ पर कुछ बंकर जैसा दिख रहा है. पाकिस्तान का जो प्लेस आता है ना, ये जो पहाड़ है उसके पीछे वाला जो पहाड़ आप देख रहे हो ना, दैट बिलोंग्स टू पाकिस्तान. दैट्स व्हाट ये फौजी भैया बोल रहे हैं. यहाँ से पाकिस्तान का कुछ भी चेक पोस्ट नहीं दिखेगा क्या? हाँ जी, अभी नहीं दिखता ना. I'll tell you about this Wonderman. So it was a small village, and during the war of 1971, this got completely destroyed, and all the people have moved and shifted to another place. इस तरह आप देख सकते हो, इसीलिए ये पूरा टूटा हुआ है. हमारा माथी गोराम 1 किलोमीटर अच्छा बस गोरा ही है ना. तो यही है अपना लास्ट विलेज आई थिंक. सो यहाँ से ऊपर तो और कहीं जा नहीं सकते. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ इंडिया आई कैन से. सो हम अभी हैं हुंडरमन में. दिस इज आई थिंक द लास्ट विलेज. और जो LOC है वो उस तरफ है. एक व्यू पॉइंट है ना, तो वो व्यू पॉइंट से देखेंगे LOC का अगर दिखता है. इसके आगे कुछ भी नहीं है. दिस इज द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया. आफ्टर दिस पाकिस्तान स्टार्ट्स. पानी भी देते हैं. प्यास लग रहा, बहुत गर्मी लग रहा है यहाँ. इस तरफ धूप काफी जोर का है. I have huge, huge respect to all the army and all the soldiers who are serving nation. Huge respect to all of them. Look at this condition, man. गर्मी कितनी होती होगी यहाँ पर. विंटर के टाइम में कितनी ठंडी होती होगी वहाँ पर. दिस आर द हार्श क्लाइमेट कंडीशन दैट दे आर स्टेइंग. आई मीन इफ यू आर सिटिंग एट होम एंड फील सेफ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ देम. सो अभी हम आए हैं LOC व्यू पॉइंट पे. I'll show you the Pakistan side. ये जो ग्रीनरी आप देख रहे हो ना, वो है पाकिस्तान. यहाँ पर एक आप देख रहे हो, दिस वन, सॉरी, दिस इज दरगाह, पाकिस्तानी दरगाह. यहाँ पर बायनोकुलर सर्विस भी है, और बायनोकुलर से आप पाकिस्तान का बंकर्स, वहाँ पर दरगाह है, और वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, नो मैन लैंड ऑल्सो यू कैन वॉच थ्रू द बायनोकुलर, एंड द चार्ज इज ओनली 50 रुपीज. सो जो बायनोकुलर से आपको व्यूज दिखाएंगे, उनका नाम ली है, तो ये चीज़ मिस मत करना अगर आप यहाँ पर आते हो. बायनोकुलर से देखोगे तो बहुत कुछ समझ में भी आएगा आपको. सी ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन मैं इंडियन बंकर तो नहीं दिखाना चाहूँगा. यू वॉन्ट टू सी इंडियन बंकर देन यू शुड कम हियर एंड एक्सपीरियंस इट. सो वी आर इन द कारगिल टाउन. ये है कारगिल का बस स्टैंड एट माई लेफ्ट साइड. यहाँ पर गुरुद्वारा भी है, गुरु नानक ऊपर, चरण कमल साहिब. एंड ले इज लाइक 225 किलोमीटर. फुल करो भैया. फतेह टू ले. ले आखिरकार हम निकल गए हैं यहाँ से. ये मेरा राइट तरफ, वो जो आप माउंटेन देख रहे हैं, स्नो कैप माउंटेन, सुंदर सा है. पता नहीं अभी GoPro में कितना अच्छा से दिखा होगा, बट दैट्स ब्यूटीफुल. Look at this view. This is the whole Kargil, starts from there to here. Beautiful. Look at this. That's what happened. ऊपर देखूं आना तो नीचे गड्ढे नहीं दिखते, तो इससे अच्छा होता है कि सामने देखे चलाओ, नीचे भी देखे चलाओ. इन लद्दाख यू विल सी वैरायटी ऑफ माउंटेन्स. ये देखो यहाँ पर पत्थर ही नहीं, ये पूरा मिट्टी का लग रहा है मुझे. और ऐसे नहीं कि ये सब छोटे छोटे माउंटेन है, सब बड़े बड़े विशाल माउंटेन है. वाओ, दिस इज नाइस नाइस. अभी टाइम हो रहा है 2:45 और हम है खूबसूरत से वादियों के बीच में. इस तरफ भी पहाड़, इस तरफ भी पहाड़, और सामने आर्मी के कॉन्वॉय फिलहाल रुका हुआ है यहाँ पर.
नजारे ही नजारे हैं यार, जो मैं देख रहा हूँ वो आप मेरे कैमरे के थ्रू देख रहे हो। सो ऐसे ही फील करो कि आप ही बाइक चला रहे हो, जस्ट फील करो भाई। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that... इसे क्या बोलते हैं? मट्ठी। एक मुझे दीजिए ना, खाते हैं। अभी हम एक ढाबा में रुके हुए हैं, बड़ा जोर का भूख लग रहा था, सिर्फ ब्रेकफास्ट ही किए थे, वो भी मॉर्निंग को। हमने ऑर्डर में दिया है अभी राजमा के साथ रोटी और मट्ठी, अभी मैं खा रहा हूँ। ये ढाबा का नाम क्या है? जोगिंदर डोगरा ढाबा, जो कि आपको कारगिल से आगे मिलेगा। खाना खा लेते हैं, रोटी तो मस्त लग रहा है। जवाब भैया अच्छा बना। देखो यार, ओवरटेक मत करो ऐसे रोड में, काफी लोग इसी चक्कर में एक्सीडेंट करवा बैठते हैं। और ऐसे कर्व्स वर्ज में तो बिल्कुल भी आप ओवरटेक मत करो। मुलबेक इज 11 किलोमीटर फ्रॉम हियर, यू नो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ लद्दाख, दिस माउंटेन्स, दिस वैलीज, दैट्स द ब्यूटी ऑफ लद्दाख राइड। लुक एट दिस व्यू मैन, यू विल जस्ट फॉल इन लव विद ऑल ऑफ देम। सी वहां से लेकर सामने ऑल दिस गुडनेस। What happened? They have stopped us. Oh, KA51EV Sagar. Sister, एक help करेंगे आप? यहाँ पर एक slot होगा ना, वहाँ पर डाल दीजिए ना। Okay. ऐसे करके नीचे तरफ होगा। दिख रहा है ना आपको? MH. Thank you very much. We can go now, no? Thank you. तो वहाँ पर चेकिंग कुछ नहीं था, आपको बस अपना बाइक का रजिस्ट्रेशन एंड दे विल आस्क यू अबाउट फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, वेयर आर यू गोइंग एंड योर नेम, दीज आर द डिटेल्स दे आर आस्किंग बिफोर यू एंटर ले। ओके यार, मेरा बाइक को क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन जब मैं दे रहा हूँ तो इट्स नॉट टेकिंग, तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम बता रहा है मेरे बाइक में। ये होता है जब ऑक्सीजन मिलता नहीं बाइक को। ब्रो नेवर मेक्स ड्रिंक एंड ड्राइव, आई डोंट ड्रिंक, आई ओनली ड्राइव। ओहो, What is this? Oh God! I mean, nazara hi badal gaya. थोड़ा रेस्ट लिया हूँ अभी, थोड़ा सर भारी हो गया था। I'm riding at a height of 12,000 feet. तो यहाँ पर पानी पीना बन जरूरी है। लद्दाख में पानी पीते रहो, जब भी प्यास लगे रुको पानी पियो, बहुत बहुत ज़रूरी है पानी पीना। और मैंने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है जो कि और अच्छा है बॉडी के लिए। सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही है, बस सांसें फूल रही है, पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है। विक्रम इज़ ऑल गुड, मेरे को ही ऐसा लग रहा है। यहाँ से ले अभी भी 175 किलोमीटर है, ले पहुँचना ज़रूरी है। राइड में गोप्रो ने मुझे बहुत सताया है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें ऑडियो गायब है पूरा। और यहाँ पर अभी देखो ये बोल रहे कि एसडी कार्ड एरर, पता नहीं क्यों यार, क्यों? अब वो देख रहे हिमालय, द स्नो माउंटेन इज वेरी क्लोज। सो गाइस, वी आर एट 13,479 फीट हाइट यार,
और यहाँ पर हवा बहुत तेज है, बहुत ठंड है यार यहाँ पर। ऐसे तो नहीं खोलूँगा कान, मेरे को गर्म ही चाहिए। श्रीनगर से जब ले आओगे तभी ये फतुला टॉप आपको मिलेगा। और ये पीछे देखो खूबसूरत यार, बहुत सारे झंडे हैं यहाँ पर, बुद्धिस्ट फ्लैग। Are arriving Lama Yuru. अब थोड़ी देर में लामा यूरू पहुंचने वाले हैं, ओनली 2 किलोमीटर फ्रॉम हियर। लामा यूरू इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ मून, यू नो। दीदी कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? मैगी है, राइस दाल है, ब्रेड ऑमलेट है, चाय है। चाय मिलेगा ना? दिस लुक्स वेरी वेरी ओल्ड एंड दिस कुड बी द मोनेस्ट्री। लद्दाखी आई थिंक याक है जो लद्दाखी का। और ये रियल रियल ये जो रियल है गाइस, ये इसका जो ओल्ड है ये रियल है। आई फील एक्चुअली मुझे लग रहा है कैन फील फील मतलब दिस इज काइंड ऑफ द ओल्ड वेरी। चाय हमने ऑर्डर किया हुआ है तो चाय पी लेते हैं, गर्मा गर्म चाय। अभी ठंड, शिट, चाय में मक्खी, चाय में मक्खी गिर गया है। ये चाय तो मेरी है, इसको चेंज कर दो ना, मैं तो पी लेता हूँ। ठंड है यार यहाँ पर। ये देखो चाय के लिए मतलब नो सैक्रिफाइस। हेलो, ठीक है, कोई नहीं। 100 बात का एक बात, इधर बार बार आना नहीं है। अब तो बार बार आऊंगा, ये व्यूज देख के ना बार बार आना है। अब तो काफी मजा आया राइड करके। हाँ तो वो तो ठीक है, आजू क्यों करना है बताओ। अभी क्या क्या करना है? क्या करना है बताओ, क्या करना है? क्या करना है? अगर रुकेंगे तो मोनेस्ट्री है यहाँ, बहुत प्यारा लग रहा है। और तुम रात तो मोनेस्ट्री देखेंगे? नहीं, कल सवेरे है ना, ले यहाँ से 100 किलोमीटर है भाई। अब सवेरे जाना मतलब 7 बजे निकलना है। चाय आ गया, प्रेस उन्होंने चेंज करके दे दिया। चेस, थैंक यू चेस। अभी कौन किसको दोबारा चेस, किसको पता चेंज करके दिया क्या दिया। आज ले पहुँच पाएंगे क्या, आपको क्या लगता है? जाने से तो पहुंच जाएंगे पर कितने भी पहुंचेंगे वो थोड़ा डाउट है। फिर भी मतलब 9 बजे तक पहुंच जाएंगे, जाने से तो पहुंच पाएगा। तो क्या किया जाए, थोड़ा सोचते हैं। आफ्टर हैविंग अ लॉट ऑफ डिस्कशन विद विक्रम, हे गाइस आर गोइंग आउट, वी आर नॉट स्टेइंग इन यामालुरु। जितना ज्यादा बात कर रहे हैं ना उतना सांसें फूल रही है पूरा। इस जगह में फिर कभी आऊंगा डेफिनेटली बट यार, और जिस दिन आऊंगा ना यहाँ पर अच्छा से एक्सप्लोर करूंगा। ले यहाँ से 100 किलोमीटर है और टाइम हो रहा 6:30, सो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। This way we are going to reach Leh by around 10 o'clock. This is the moonland. Beautiful, yaar. OMG, yaar, this is beautiful. Look at this part of the mountain and the rest part of the mountain. So different. So full moon day के दिन में ये जो जगह है रात को अलग ही हो जाता है। So guys, full moon day को अगर यहाँ पर हो, लामा यूरू में हो, तो फिर इसे इस चीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये आगे वाली जो वैन है ऐसे कॉर्स में वह ये करके लेकर जा रही है भाई, इतना स्पीड चला रहा है, मैं उतना स्पीड नहीं चला पा रहा हूँ। गॉड मैन, दिस वैन ड्राइवर इज सो एक्सपीरियंस्ड, ही इज राइडिंग वेरी फास्ट। सर कितना स्पीड चलाते हो आप, सही में थोड़ा सा स्लो करो, मैं तो पागल हो गया। ये कहाँ की है? साथ में चलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, साथ में चलते हैं आराम से। मैडम ये कौन सी जगह है? खालचंग। तो खालचंग में आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा, ईदर और इफ यू हैव ड्यूअल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट यू कैन शो इट टू देम, दे विल गिव यू वन स्लिप आई गेस दैट यू हैव टू गिव इट एट द चेक पोस्ट, दे विल अलाउ यू टू गो। सो इट्स डन, इट्स डन, सो वी कैन लीव नाउ। यहाँ पर टेस्ट नहीं कराना, यहाँ पर आपको एक स्लिप देंगे, स्लिप में रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, दे विल चेक योर आरटीपीसीआर रिपोर्ट हियर और इफ यू हैव ड्यूअल वैक्सीनेशन रिपोर्ट दैट वर्क वेल एंड देन दे अलाउ यू टू लीव फ्रॉम हियर, अदरवाइज यू विल गेट स्टक। ओके, तो यहाँ पर जो है उनको हम दे देते हैं रिपोर्ट डिटेल्स। नहीं ये देना नहीं है, दे दीजिए, थैंक यू। सब बहुत अच्छे इंसान हैं यहाँ पर ले गए। इट्स टाइम टू बी इन ले टुडे नाइट बिफोर डोंट नो
अभी रात का कितना बज गया यार, इट्स लाइक 7:30 अराउंड और हम अभी भी ले से काफी दूर है। लुक एट दिस मून, इट्स जस्ट गाइडिंग मी टुवर्ड्स ले। थैंक यू मून जी। ले इज 74 किलोमीटर फ्रॉम हियर एंड इट विल टेक अराउंड 1.5 आवर आई गेस। आई होप सो बाय 9 o'clock वी कुड रीच। सो वी ऑल आर इन वन लाइन नाउ। जो पहले हैं वो भैया हैं जिसे हम लामा यूरू में मिले थे, एंड देन विक्रम एंड देन मी, एक लाइन में यहाँ से ले और 45 किलोमीटर के आसपास है। सो गाइस फाइनली वी आर इन ले। ले पहुंच चुके हैं और ले सिटी काफी करीब है। ओह गुडनेस, यू नो व्हाट द टाइम इज, इट्स ऑलमोस्ट 9 o'clock। वेलकम टू ले, वी आर इन द सिटी नाउ। सबको एवरीवन ले से सागर का नमस्कार। इट वाज अ फैंटास्टिक जर्नी, कांट फॉरगेट ईच मोमेंट ऑफ इट। वी आर गोइंग टू टेक रेस्ट टुमारो। नाउ वी विल फाइंड अ होटल एंड हैव फूड। गाइस डोंट नो आई मीन हाउ हैप्पी आई एम। भैया ले सिटी कहाँ है? अंदर है, ठीक है, ओके। सो लेट अस फाइंड अ रूम एंड देन वी विल सी। चलो अभी होटल में मिलते हैं। आई एम हैप्पी, होटल मिल गया है। अपना सारा लगेज होटल में रख दिए हैं, रूम के अंदर नहीं रखे हैं। और हम अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि जिस होटल में ठहरे हैं वहाँ पर खाना नहीं मिलता है। तो मैं और विक्रम जा रहे हैं होटल के तलाश में, ताकि कहीं पर खाना मिल जाए। मैं अभी खाने के लिए आए हैं और ठंड बहुत लग रही है मुझे, इसलिए मैंने कान को कवर अप किया हुआ है। हाँ, ये मेन मार्केट में ही है। अभी हम वेट कर रहे हैं अपना खाने का। खाना आए तो खाएं, यहाँ पर 15 मिनट से बैठे हैं। कल तो हम रेस्ट ले रहे हैं, कल देखेंगे कल का क्या प्लान है। कल जाएंगे शांति स्तूपा, बाइक को भी सर्विस ले देना और ले में जो मार्केट है उस मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। भाई अपना मोमो आ गया है और हमने यह वेज बिरयानी ऑर्डर किया था। अभी कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, टूट पड़ने खाने पर, ठीक है। खाना खाकर अभी सांसें फूल रही है। खाना खाकर आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और काफ़ी ठंड है यहाँ पर। ले टेम्परेचर हैज़ गॉन डाउन 1 more degree। जस्ट एक घंटे पहले 14 डिग्री था, अभी 13 डिग्री हो गया है। तो हम अभी ले में ठीक मेन मार्केट के थोड़ा ऊपर एक अच्छा होटल तो नहीं बोलूँगा, इसे रेजिडेंशियल हाउस ही है, ये काइंड ऑफ गेस्ट हाउस है। होम स्टे का नाम है ट्रैवलर्स हाउस आई गेस। वी गॉट दिस हाउस फ्रॉम गूगल, तो अच्छा लगा, पिक्चर्स वगैरह अच्छे थे, तो यू नो वी कॉन्टेक्टेड देम एंड दैट्स हाउ वी गॉट दिस रूम। और रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है, बड़ा है, बाथरूम इज ऑल्सो बिग। दिस इज ऑल वी वॉन्टेड। जैसे सोचते हैं वैसा होता नहीं। दिमाग में ये था कि आज जल्दी से ले पहुँचेंगे करीब 6 बजे 7 बजे तक, ताकि मैग्नेटिक हिल को एक्सप्लोर करेंगे। वो हो नहीं पाया, अंधेरे में मुझे पता भी नहीं चला कि मैग्नेटिक हिल कब चले गया। एक और माउंटेन पास पर गए थे, फतुला टॉप, व्हिच वाज लाइक 13,000 समथिंग, मोर लेस देन 14,000। दिस इज माय हाईएस्ट पास देन इन दैट केस, तो क्योंकि जोजिला वॉज लाइक 12,000, दिस इज लाइक समवेयर अराउंड 14,000। सो या खातुंगला आने वाला है, व्हिच इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास, माउंटेन पास। आई थिंक खातुंगला हैज बिकम द सेकंड पास, आई थिंक सो, टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, अभी और कुछ नहीं, अभी सोना है जल्दी से, काफ़ी थके हुए हैं। विक्रम सो गया है, अभी वो फैमिली के साथ बात ही कर रहा था, बात करते करते सो गया है। दिस होम स्टे इज गुड, या अच्छा है, फैमिली इज ऑल्सो गुड। कल एक और दिन हम ले में स्टे करेंगे, ताकि यहाँ का जो क्लाइमेट है उसके साथ हम एक्लिमेटाइज हो जाएँ। कल काफ़ी सारा प्लान्स है, और देखते हैं कि कल क्या क्या कर सकते हैं। कल के ब्लॉग में आपको सब पता चलेगा हम कल क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो ठीक है, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल। अगर चैनल में नहीं हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, अच्छा लगे तो। थैंक्स फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, एंड देन लीव अ ब्यूटीफुल लाइफ, राइट सेल्फ, मेक मेमोरीज।